हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं शिवेंद्र सरकार और आप सभी का स्वागत है रिदम लेसन पर। आज की वीडियो में हम जानेंगे, आपने कई बार ऐसे सुना होगा कि आपने छोटे छोटे जो ताल होते हैं, जैसे दादरा कहरवा, इस तरीके के जो छोटे मात्राओं में जो ताल होते हैं, इन तालों में जो छोटी छोटी तिहाइयाँ लगाई जाती है वो बहुत यूनिक सुनाई देता है। अब वो तिहाई किस तरीके से क्या क्या लगाई जाती है, आज की वीडियो में मैं दादरा ताल में आपको छोटा सा 3 स्टेप बताऊँगा। तिहाई के 3 स्टेप है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही इजी वे पर आप इसको सीख जाएंगे और बहुत ही अच्छे से आप इसको अप्लाई भी कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले जिस तरीके से मैं दादरा बजाऊंगा, उसमें छोटी छोटी जो तिहाइयाँ हम गज़लों के बीच में लगाते हैं, बहुत ही छोटी छोटी जो तिहाइयाँ होती है वो किस तरीके से होती है, तो आइए शुरू करते हैं। जैसे हम दादरा बजा रहे हैं मध्य लय में, ये जो बोल है और इसका जो लय है, ये मैं आपको समझा देता हूं। इसके लय को आप बार बार कंटिन्यूस रिपीट करें तो इससे होगा क्या, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये फिट हो जाएगा, जिससे आप इजी वे पर इसको बजा सकते हैं। जैसे धा धा ती ता धा ती धा धा ती ता धा ती धा धा ती धा ती धा धा ती धा ती धा धा ती धा ती ता धा ती धा धा ती ता धा ती, है ना। इस तरीके से ये इसका लय बैठ रहा है। देखिए, मैं इसको धीरे धीरे करके बजा रहा हूँ, आप इसको अच्छे से समझिए। बोल है धा धा तिधा तित धा धा तिधा तित धा धा तिधा। तो जैसे मैं बजा रहा हूँ, मुझे यकीन है कि आपको ये बोल समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से इसको आप कंटिन्यूस करते हुए जाइए। तो ये रहा पहला तिहाई जो बहुत ही शॉर्ट था। अभी इसी के बारे में हम दूसरा तिहाई जानेंगे जो लगभग लगभग ऐसा ही है, लेकिन बोल कुछ थोड़ा सा अलग है। तो आइए उसको भी देख लेते हैं। बहुत ही ईजी है, इन सबको आप एक के बाद एक अप्लाई करेंगे तो बहुत ही बढ़िया सुनाई देगा। तो आइए सुनते हैं दूसरा तिहाई। ये बोल क्या था, तित धाती धा तित तित धाती धा तित तित धाती धा। दोस्तों, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स के कंप्लेंट्स ऐसे आते हैं कि आप बोल लिख के क्यों नहीं देते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि लिख के देने की। एक्चुअली मैं यह मानता हूं कि आप अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो अच्छे से आप लिखने से ज्यादा आपको याद हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि लिख के ही मैं आपको दूँ तभी आप याद करें। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो मैं एक बोल को इतनी बार रिपीट करता हूँ कि आपको वो याद हो जाना चाहिए। तो देखिए, अभी जो मैंने बजाया क्या था, तित धक्का तित धक्का तित धक्का। तो बहुत ही इजी था। बोल में एक बार बता देता हूं, अगर लिखना है तो आप इसको लिख लीजिए, तित धाती धा तित तित धाती धा तित तित धाती धा। अब देखिए इसको बजाना कैसा है, तित धाती धा तित तित धाती धा तित तित धाती धा तिता धाती धा धा तिता धाती तित धाती धा तित तित धाती धा तित तित धाती धा धा तिता धाती। इस तरीके से आप इस बोल को बजा सकते हैं। अब देखिए तित कैसे बजाते हैं, बहुत ही सिंपल वे पे इसको देख लीजिए, तित धा ती धा, फिर क्या है, तित तित धा ती धा, देन तित तित धा ती धा। ऑब्वियसली ये वीडियो में बिगनर्स के लिए, बिगनर्स दोस्तों के लिए नहीं बना रहा हूं, तो प्लीज़ आप लोग इससे अगर आप सीख पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग इसको सीख लीजिए, इसको समझ लीजिए, बजाना आपको मेरे बिगनर्स जो मैं लेसन बनाता हूँ
उन्हीं से देखकर आपको सीखना है। ये वीडियो में जो कंटिन्यूस बजाते हैं और जो अभी सीखने के मिडिल स्टेप में है, मैं उनको बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से ये सारी चीज़ें, तो वो समझ पाएंगे अच्छे से। आप लोग अभी मेरा प्रीवियस वीडियोस में जो डाल रहा हूँ उनको आप अच्छे से देख के सीखिए। तो ये वाला जो अभी बोल था, तित धतिधा तित तित धतिधा तित तित धतिधा, इस तरीके से था, बहुत ही ईजी वे में आप इसको बजा लेंगे, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बस दिमाग में सेट करना है इसका लोच। लोच एक बार सेट हो जाएगा तो बहुत इजी वे में आप इसको बजा लेंगे। अभी देखिए जो तीसरा वाला है वो किस तरीके से है, देखिए बोल है ताती ताती धा ताती ताती धा ताती ताती धा, लेकिन मैंने स्टार्ट कहां से किया है, छठवीं मात्रा से, धा धा ती ता धा ती धा धा ती ता ताती ताती धा ताती ताती धा ताती ताती धा, है ना, ता ती ता ती धा ता ती ता ती धा ता ती ता धा। आपको छठवीं मात्रा से यहां से स्टार्ट करना है, एक दो तीन चार पांच छ, यहां से आपको स्टार्ट करना है। कैसे, ताती ताती धा ताती ताती धा ताती ताती धा, इस तरीके से, ताती ताती धा ताती ताती धा ताती ताती धा, इस तरीके से, जैसे मैं आपको बजा के दिखाऊंगा, देखिए। ठीक इस तरीके से ही आपको ये सेट करना है तबले पर। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो में कमेंट भी करके बताएं कि कौन सा तिहाई आपको अच्छा लगा है, और अगर वाकई में अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन भी साथ में दबा दें, ताकि इस तरीके की वीडियो मैं बनाते रहूँ और आपके पास तक पहुँचते रहे। धन्यवाद।